वेल व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर अभी क्या हो रहा है, क्या एल्गोरिथम है, अभी मर्चेंट नेवी में क्या कुछ डिपार्टमेंट है। तो गाइस लेट मी मेक श्योर, अभी ऐसा हो रहा है कि जो अपने डीजी का जो सर्कुलर नया आया है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट प्लेसमेंट के आप कोर्स नहीं कर सकते हो, सो मेक श्योर ऑन दैट। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी जो जीपी रेटिंग की फीस है वो 3.5 लाख हो चुकी है, जिसमें हमारे अमन जी हैं और तीन चार बंदे और हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम्स, बट वो सिलेक्ट हो चुके हैं। देखा इस बात पर क्या है, अभी सर्कुलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जीपी रेटिंग कोर्स सब लोग कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट से भी कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती, और ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो फिर वही बात है कि हमने कोर्स क्यों किया। तो गाइस बात ऐसी है, अभी जो ये 3.5 लाख का मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपकी ज्वाइनिंग कन्फर्म है। और नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो देखो कि आप काम क्या कर रहे हो, किस में आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ मैटर करती है। लाइक जितने मेरे बंदे हैं जो मेरे साथ जा चुके हैं, जो जाने वाले हैं, जो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं जनवरी बैच के लिए, ऑफ कोर्स। तो गाइस जनवरी बैच की अभी सीट्स मेरे पास बची हुई है सिर्फ 7। अगर आपको आना है तो बी माई गेस्ट, आप आ सकते हो। लेकिन जो एक रूल को समझो यार, देखो पहली बात तो ये होती है कि कभी भी कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हमने कोर्स तो कर लिया, ओके मैंने कोर्स कर लिया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद ज्वाइनिंग का क्या हुआ? बोले सर ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी बात नहीं है, अभी वो बात खत्म हो चुकी है, अभी ज्वाइनिंग चाहिए। और एक बात याद रखो कि आपकी जो वॉच कीपिंग निकलती है ना, जीपी रेटिंग करने का फायदा क्या है, नंबर एक पॉइंट कि आपने प्री सी कोर्स किया हुआ है, आपके पास वो सर्टिफिकेशन है। सेकेंड पॉइंट कि आपको ज्वाइनिंग चाहिए। अब मैं ज्वाइनिंग कराता हूँ या तो मुंबई में होगी या फिर दुबई में होगी, दो ही कंपनी मेरे पास है जहां मैं कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? ताकि आपकी वॉच कीपिंग निकल सके। वॉच कीपिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका फ्रेशर का टैग जो हट जाता है। लाइक अगर मान लो मैंने कोर्स किया, ठीक है, कोर्स करने के बाद भाई मेरे को चाहिए ज्वाइनिंग, और मैंने ज्वाइनिंग किया किसी टग बोर्ड पे या किसी पे भी, पहली बात तो गाइस ये समझो कि दो डिपार्टमेंट अपने पास है, एक डेक है और एक इंजन है। अगर इंजन में आते हो तो 3000 किलोवाट के ऊपर के जितने भी इंजन है उसमें आपकी अनलिमिटेड निकलती है। अगर आप डेक पे आते हो तो 500 GRT के ऊपर होना चाहिए। अभी एक ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर मेरी वॉच कीपिंग पे लिमिटेड लग गया तो मैं क्या करूं? भाई देखो पहली बात तो ये है, मैं जिनको भी जवाब देता हूं, जिनसे मैं बात करता हूं, वो मैं क्यों करता हूं? ताकि आप लोगों को क्लोजर मिल सके कि आपको करना क्या है। और जो लिमिटेशंस हैं, जो डीजी अप्रूवल कोर्सेज हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, तो यार ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप इंजन में आ रहे हो ना तो टग्स बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि उनके पास 3000 किलोवाट से ऊपर के इंजन्स हैं। वहीं अगर आप डेक पे जाते हो तो मेरे पास ड्रेजर्स भी हैं और भी अपने वेसल्स हैं जो 500 GRT के ऊपर के हैं। तो ये बात फैक्ट रखो कि देखो जाना है तरीके से जाओ। अभी मेरे को कोई एक कॉल कर रहा है, कह रहा है कि सर मैंने तो कोर्स किया था जयपुर में, और जयपुर में उन्होंने मेरे को एक CDC दी है। तो भाई मेरे पहली बात तो ये है, पहले देखा करो कि DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट क्या है। और नंबर तीसरा तो हो गया, नंबर फोर्थ पॉइंट है कि DG क्या है, ये व्हाट इज DG। गाइस मर्चेंट नेवी में अगर आप कभी भी आना चाह रहे हो ना, तो मर्चेंट नेवी में DG होती है आपकी डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। वो लोग मेन है जो सारा कुछ हैंडल करते हैं, और वो सही तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंडियन अगर बाहर काम करने जाएगा या बाहर नौकरी करने जाएगा, उसके पास अगर डॉक्यूमेंट है एवरीथिंग इज ओके, उसका वैलिड है वो, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है तो इशू है। अब 3.5 लाख में मैं आपको कोर्स भी दे रहा हूँ, आपकी ज्वाइनिंग भी कन्फर्म है, हालांकि आपको जो लेटर है मेरी कंपनी से वो मिल जाएगा, उसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप। लेकिन ये मत देखो कि वो किस पे मिल रहा है। देखो हर किसी का सपना होता है कि भाई, एक तो ये इंस्टाग्राम ने ना ऐसी तैसी कर रखी है ना, मतलब उनकी रील देख के लोग जा रहे हैं कि रील में ये है वो। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप शिप पे जा रहे हो तो शिप पे हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, विदाउट उसके कुछ नहीं मिलने वाला। वेल मुझे तो नहीं मिला, आई एम नॉट श्योर, अगर आपको मिले तो बी माई गेस्ट। बाकी गाइज कभी भी ये मत देखा करो, देखा क्या करो कि अपने सर्कुलर क्या है। DG सर्कुलर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प यू थ्रू आउट योर करियर, ओके। अगर आप एग्जाम भी दे रहे हो, अभी मान लो आपने इंडिया में एग्जाम दिया, अभी हर किसी का बजट नहीं होता। अगर मैं बात करूँ मेरी UKC OC की या वट एवर, तो उसमें कम से कम 12 लाख का खर्चा होता है। तो हर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 12 लाख पे कर सके, उसके लिए बनाया गया अपने इंडियन गवर्नमेंट की जो COC है, दैट इज कॉल्ड NCV क्लास 4 इंजन साइड में, और डेक में जा रहे हो तो EOW होती है, ठीक है। पर EOW जो है वो आपकी इंजीनियर ऑफिसर ऑफ द वॉच है, जो कि इंजन में ही काउंट होती है, लेकिन ऊपर अगर आप जा रहे हो डेक में जाते हो तो OOW बनती है, ऑफिसर ऑफ द वॉच।
तो गाइस देखो, पहली बात तो ये क्लियर रखो कि अगर आपको आना है तो मेक श्योर फैमिली छोड़नी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम की रील जो है वो छोड़नी पड़ेगी, और टिकटॉक तो वैसे भी अपने यहाँ पे बैन है। क्योंकि गाइस पता है बात क्या है, बात ये है कि आपको जो लाइफ में करना है ना उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्यों? क्योंकि मैंने भी जब क्रिएटर स्टार्ट किया था मुझे सपोर्ट करने वाले कोई नहीं थे, इवन तो मुझे आज भी जरूरत नहीं है। अब लोग कहते हैं कि सर आप तो यूट्यूबर हो, आपके पास तो सब्सक्राइबर्स हैं। माय फ्रेंड, मैं किसी को कभी नहीं बोलता हूँ कि तुम जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? जो रियल बात है ना वो कोई नहीं बताता है, वो एक एक कोई बंदा होता है मेरे जैसा, मे बी कोई होता होगा, आई डोंट नो, जो सच बताता है कि भाई ये अपनी फील्ड है उसमें ऐसे काम होता है। सो बॉटम लाइन ये है कि अभी मेरे पास सिर्फ 5 सीट्स लेफ्ट है जीपी रेटिंग की। अगर आपको आना है तो आपको अपना जो पासपोर्ट है वो तत्काल में डालना पड़ेगा, तत्काल में अपना पासपोर्ट लो, क्योंकि डीजी की जो सर्कुलर है उसमें आपका 10th चाहिए, 12th चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, ये चीज़ मैंडेटरी है। इनके बिना मैं आपका एंडोर्स नंबर जनरेट नहीं कर सकता हूँ। और जो लोग बुक हो चुके हैं, ऑल द बेस्ट टू यू, आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी मेरी मैं हमेशा रेडी हूँ, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो डीजी अप्रूव्ड है फॉर श्योर। पासिंग की गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इंस्टीट्यूट कौन सी है, क्योंकि आप पास ही नहीं होगे तो बात कैसे बनेगी। सो गाइज, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी करण है अपने, करण ठाकुर मेरा जो सब्सक्राइबर है वो मेरे थ्रू अभी जा रहा है, टक्स पे ही जा रहा है, इंजन डिपार्टमेंट में जा रहा है, वॉच कीपिंग निकालेगा, अनलिमिटेड निकलेगी फॉर श्योर, और अनलिमिटेड निकलने के बाद आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। क्योंकि पता है क्या होता है, एक ना IMO व्हाइट लिस्ट देखना शुरू करो। IMO व्हाइट लिस्ट वो कंट्रीज है जिनकी वॉच कीपिंग, जिनकी COC, जिनके सारे डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट होते हैं, यानी कि व्हाटएवर वो जो भी करेंगे ना तो आपको अप टू डेट मिलेगा, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अभी सर्कुलर बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज की COCs थी जो निकाली गई, हालांकि बाद में वो बैन भी हुई, उनको प्रॉब्लम भी बहुत सारी आई। वो क्यों हुई? क्योंकि वो SCCW रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आती थी। सो मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि अगर आप जा रहे हो तो प्रॉपर डीजी अप्रूव्ड कोर्स करो, जैसे जो मेरे इंस्टीट्यूट है चेन्नई। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को ये आया था कि सर आप चेन्नई में क्यों भेजते हो, आप कहीं और क्यों नहीं भेजते? गाइस, चेन्नई में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इंग्लिश का, कि आपको हर एक चीज़ इंग्लिश में सिखाई जाती है, इंग्लिश के टीचर हमारे होते हैं वहाँ पे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपकी हेल्प करते हैं। और लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो इंटरव्यू अगर आप दोगे तो हिंदी में तो लेंगे नहीं फॉर श्योर। आई नो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है एंड मैं इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सब जो रिस्पेक्ट करता हूँ, बट लेट्स बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स में नहीं चलती है चीज़ें, इसको मानना पड़ेगा। वहाँ पे इंग्लिश है तो वी विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर श्योर, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। इसके लिए मैं चेन्नई भेजता हूँ ताकि बंदे एटलीस्ट उनको इंग्लिश की नॉलेज हो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, ताकि उनका फ्यूचर सही हो। तो अभी जो गाइस जीपी रेटिंग की फीस है वो 3.5 लाख है, और उसमें आपकी प्लेसमेंट रिकॉर्डेड है, आपको कुछ पे नहीं करना है। बट मेक श्योर स्टार्टिंग में अगर आप कोर्स करने जा रहे हो, आप ज्वाइनिंग ले रहे हो, तो भाई हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में कोई बोलता है मैं 1 लाख सैलरी दूंगा, मैं 1.5 लाख दूंगा, मैं 2 लाख दूंगा, गाइस ऐसा नहीं होता है, हमारी फील्ड में स्पेशल नहीं होता है। लोग बोलेंगे भाई 6 लाख दो, 5 लाख दो, वट एवर, उतना भी नहीं देना है। 3.5 में आपको ज्वाइनिंग भी मिल रही है, आपका कोर्स भी हो रहा है, जो भी आपको स्टाइफन मिल रहा है, स्टाइफन अपनी बेसिकली सैलरी होती है जो मशीनरी की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो हमारे यहाँ पे स्टाइफन होता है, तो स्टाइफन आपको स्टार्टिंग में जो भी मिल रहा है, मेक श्योर कि आपकी वॉच कीपिंग जो है अनलिमिटेड हो। उसके बाद ही आप चाहो तो किसी भी कंपनी में जा सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें किरीकरण मेरे साथ थे, उन्होंने टक्स पे काम किया, इंजन डिपार्टमेंट में काम किया, और उसके बाद वो मेरे साथ आए क्रूज शिप पे। तो वो आए इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी वॉच कीपिंग निकाल रखी थी, वॉच कीपिंग थी उनके पास। और अभी जितनी बड़ी कंपनीज है ना, उन सबको सिर्फ तुम्हारी वॉच कीपिंग से मतलब है, और किसी से मतलब है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहिए। विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, और इफ यू रियली वॉन्ट टू कम, आई एम हेयर फॉर यू। आई हैव ओनली 5 सीट्स लेफ्ट, सो मेक श्योर अगर जीपी रेटिंग करना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आई नीड दिस 3 डॉक्यूमेंट्स, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ऑल द बेस्ट। अपने अमन है, ऋषिकेश है, और आई थिंक 6 persons मोर हैं। तो आप लोग जाओ इंस्टीट्यूट में, अपना कोर्स स्टार्ट करो, कोर्स होने के बाद मुझे बताओ, और आप आओ यहाँ पे, आपकी प्लेसमेंट ऑलरेडी रेडी है। क्योंकि अभी विदाउट प्लेसमेंट के मैं तो रिस्क लूंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है या मेरा कोई और नहीं है जो मुझे बताए कि करना क्या है। जा रहे हो तरीके से जाओ, विदाउट तरीके से जाओगे नो बडी विल हेल्प यू।
डीजी के जो सर्कुलर है उनको पढ़ते रहो, दे गॉट चेंजेस बाय द टाइम, सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. सो फॉर दिस अभी के लिए इतना काफी है. आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करिए, उसके ऊपर वीडियो मेरी जरूर आएगी हमेशा की तरह, फॉर श्योर. सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम आकाश मर्चेंट नेवी दिस साइड. आई टेक साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज टेक केयर, पेरेंट्स का प्लीज ख्याल रखो, बिकॉज माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं होता, लाइक आई सेड. तो प्लीज उनका ख्याल रखो, और अगर आना है सो मेक श्योर यू विल कम. थैंक यू सो मच, टेक केयर.